दोस्तों आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अगर हम बात करें सबसे ट्रस्टेड ब्रांड की, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सैमसंग का। दोस्तों सैमसंग एक ऐसा ब्रांड आज बन चुका है, लोग इस पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और सैमसंग कंपनी हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, लोग उन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और सैमसंग ने जो इंटरेस्टिंग काम किए हैं इस कंपनी को इतना फेमस करने के लिए, जो आपको शायद नहीं पता होंगे, तो मैं वही फैक्ट्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देख सकें। तो दोस्तों हम लोग यही जानते हैं कि सैमसंग एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, बहुत ही अमीर कंपनी है। बट सैमसंग ने जब शुरुआत करी थी तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वो मछलियाँ बेचने का काम करती थी। मछलियाँ बेचना और सब्जी बेचना, नूडल्स बेचना, यही सैमसंग का काम था। तो शुरुआती दौर में जब सैमसंग ब्रांड स्थापित हुआ तब उसने ये सारे काम करे थे। दोस्तों हम सभी सैमसंग का नाम सुनते हैं और सैमसंग के बारे में सोचते हैं कि ये कोई इंग्लिश का वर्ड होगा जिसका कोई एक्चुअल मीनिंग होगा, बट सैमसंग कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, डिक्शनरी वर्ड नहीं है, ये एक कोरियन वर्ड है जो कि सैम प्लस संग से मिलाकर बना है, जहाँ पर सैम का मतलब होता है थ्री एंड संग का मतलब होता है स्टार्स। तो सैमसंग का मतलब होता है थ्री स्टार्स, तो ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है सैमसंग की। दोस्तों आजकल दुनिया में जितने भी स्मार्टफोन्स फैले हुए हैं उनमें से 70% स्मार्टफोन्स की जो रैम होती है वो सैमसंग कंपनी की बनाई हुई है। तो ये काफ़ी अमेजिंग बात है सैमसंग की, कि सैमसंग की बनाई हुई रैम दुनिया के 70% स्मार्टफोन्स में यूज़ की जाती है। और आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि हर एक मिनट में दुनिया भर में सैमसंग के लगभग 100 टीवीज बेचे जाते हैं। तो ये काफ़ी अमेजिंग बात है सैमसंग की। और दोस्तों जब सैमसंग कंपनी की स्थापना हुई थी तब इस कंपनी के स्टाफ में केवल 40 लोग काम करते थे, बट आज की डेट में इसमें लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। और दोस्तों दुनिया भर में सैमसंग ही केवल एक ऐसा ब्रांड है जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खुद ही तैयार करता है। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग के जो भी डिवाइसेज आते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान आता है, उसका 90% पार्ट्स सारे सैमसंग खुद ही तैयार करता है। बाकी सारी कंपनियां इधर उधर से पार्ट्स को मंगा कर इकट्ठा करके अपने ब्रांड का नाम दे देती हैं, पर सैमसंग सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करता है। और दोस्तों अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हो तो आपको रैम के बारे में पता होगा। क्या आपको पता है कि सैमसंग ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि रैम को बनाती है? और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, एप्पल के आईफोन 7 में जो रैम यूज़ की गई है वो सैमसंग के द्वारा बनाई गई है। तो आप समझ सकते हो सैमसंग कितनी बड़ी रैम मेकिंग कंपनी है। और दोस्तों आपने बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना ही होगा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊँची बिल्डिंग है जो कि दुबई में स्थित है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सैमसंग ने ही बुर्ज खलीफा को बनाया है। अब बनाने का मतलब ये नहीं कि सैमसंग ही उस बुर्ज खलीफा का मालिक है, बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम सैमसंग देखता है, बाकी सारी बहुत सारी कंपनियां हैं, बट जो मेन रोल है वो सैमसंग का है बुर्ज खलीफा को बनाने में। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल के आईपैड्स की जो रेटिना डिस्प्ले है वो भी सैमसंग ने ही बनाया है। और दोस्तों सैमसंग ग्रुप हर साल अपनी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सैमसंग मेडिकल सेंटर के लिए $100 मिलियन डोनेट कर देता है। तो आप समझ सकते हो सैमसंग के पास कितना पैसा है जो $100 मिलियन हर साल डोनेट करता है। तो उम्मीद है मैंने इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स बताए हैं आपको समझ आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।